Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have two face wash and both are from Good Vibes. And ये दोनों ही face wash की rating up to 4 point है. That means एक की 4.3 something थी and एक की 4.2 something. तो मैंने सोचा चलो both को try करके देखते हैं and आपको एक review देते हैं कि ये है कैसा. जो पहला face wash है वो activated charcoal face wash है, जिसे भी मैंने यूज़ करके देखा. एंड जो सेकेंड वाला है वो पपाया फेस वॉश है, उसे भी मैंने यूज़ किया. तो मैं आपको जनरली मुझे क्या फ़ील हुआ वो बताने वाली हूँ. तो ये जो एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है उसमें जो भी नॉर्मल प्रिकॉशन कैसे यूज़ करते हैं वो सारा लिखा हुआ है. एंड ये जो प्रोडक्ट है वो क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, जो कि और अच्छी बात है. एंड वन मोर थिंग, ये जो फेस वॉश है ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन ऑयली है एंड जिन्हें एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है. क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो है फेस वॉश वो बेसिकली ऑयल कंट्रोल, डर्ट कंट्रोल एंड एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. एंड इसे यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है. लाइक अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपके फेस में कहीं ना कहीं थोड़ी ड्राइनेस रह जाती है. एंड मेरा जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, इस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील हुई. एंड इसकी जो स्मेल है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ. बहुत माइल्ड से इसकी स्मेल है. एंड इसका टेक्सचर देखिए, ये टोटल ब्लैक है, देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है. एंड बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको ऑफ़र वगैरह में 160 के अराउंड मिल जाएंगे. एंड इसकी जो क्वांटिटी है 120 ml है. एंड नेक्स्ट जो हमारे पास फेस वॉश है वो गुड वाइब्स का पपाया फेस वॉश है. एंड ये जो फेस वॉश है स्पेशली हमारे स्किन को ब्राइट करने के लिए एंड हाइड्रेट करने के लिए है. एंड ये सच में प्रूव करता है कि ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. क्योंकि मेरा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है एंड मैंने इसे यूज़ किया तो मेरे स्किन को ये काफ़ी हद तक हाइड्रेट करता है. जो चारकोल वाला था उससे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. एंड इसकी स्मेल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इसकी स्मेल जो पहले बूमर आता था ना, बूमर वाला च्युइंगम, उस टाइप का इसका स्मेल है. एंड इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पपाया है. एंड वी ऑल नो पपाया जो ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है. बट इसमें मेंशन है ये ऑल टाइप स्किन के लिए अच्छा है एंड ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं. इसमें वाइटामिन ए सी ई के है एंड साथ में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है. एंड इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 195 है. एंड क्योंकि पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई सेल ऑफर लगा हुआ रहता है, जिस वजह से कई बारी आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है. एंड इसकी जो स्मेल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगी. तो चलिए अब दोनों फेस वॉश को कंपेयर करते हैं एंड बताते हैं कि किसमें क्या ड्रॉबैक है एंड किसमें क्या अच्छी क्वालिटी है. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आपको चारकोल वाला फेस वॉश ट्राई करना चाहिए. एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है देन आपको पपाया वाला फेस वॉश के साथ जाना चाहिए. दोनों ही फेस वॉश में ज़्यादा हाइड्रेटिंग जो फेस वॉश है वो है पपाया वाला फेस वॉश. अगर दोनों ही प्रोडक्ट की स्मेल की कंपैरिजन की जाए तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट स्मेल के मामले में होगा वो पपाया फेस वॉश होगा, क्योंकि इसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड जिनका कंसर्न एक्ने है वो चारकोल वाला के साथ जा सकते हैं. दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका कंसर्न क्या है एंड आपको क्या यूज़ करना चाहिए. एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो देन मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.